Hello there, assalamu alaikum, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayan upa khair rakhle, and very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियन और यार शाह मलिक है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज मंडे और 11:14 ऑन द डायल, और आज सफर की है 17 तारीख. सो उम्मीद है आज की तारीख आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो, और जो कुछ भी आज के दिन के प्लान्स हैं, अल्लाह करे कि वो आप अच्छे से उनको पूरा कर सकें. सो फिलहाल आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स, बहुत कुछ जो कि शेयर करूंगी डेफिनेटली. बट एशिया कप टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और उसके बाद फिर इंडिया का जो सुपर फोर में पहुंचने का मामला. सो ये सब कुछ आज डिस्कस होगा, और इनफैक्ट हमारे प्लेयर्स मतलब चैंपियंस हैं, और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो भी कारकर्दगी के हवाले से मामलात आपको खटक रहे थे, आई एम श्योर कि अब काफी हद तक आप क्लियर होंगे. और बाय द वे, आज चूंकि मंडे है तो बहुत सारे लोग कामकाज पर जब छुट्टी के बाद आते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी लो भी होती है, या आप कह सकते हैं कि लेजी होते हैं, तबीयत आपकी लेजी होती है. सो उम्मीद है कि आप आज एक्टिवली अपने जो भी टास्क होंगे उनको पूरा करेंगे, और अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए अगर आपने ट्यून इन किया है 107.4, तो आपको गारंटी देती हूं कि आज का जो म्यूजिक है वो आपको एकदम रिफ्रेश कर देगा. सो फिलहाल ब्रेक है अच्छी अच्छी चीजों के लिए, नो ब्रेक दरकार होती है. आई एम श्योर आप भी लाइफ में कभी ना कभी तो ब्रेक लेते ही होंगे, जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते होंगे. सो इस पर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए तो भाई ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. All right, welcome back once again. Well, janab, एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी listeners को जिन्होंने just अभी किया है 107.4. Thank you so much. Well, janab, आज अगर आपकी birthday है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और उम्मीद है कि आज का दिन आपका अच्छे से ही गुजरेगा. लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास आजू बाजू कुछ ऐसे लोग हो जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा नेगेटिव कर दें. होते हैं ना आसपास ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी के साथ नहीं मैच कर पाते, और टू सम हाउ उनके साथ मिलके या उनके साथ बात करके आपको अच्छा नहीं लगता. और अगर आपका कोई स्पेशल डे हो और उस दिन में फिर कभी कुछ ऐसा झोल हो, तो फिर पूरा दिन ही मूड अच्छा नहीं रहता. आप अच्छा फील नहीं करते, और आपको लगता है कि यार क्या मैंने किस इंसान से जो है वो मुंहमारी कर ली. सो इट्स ओके अगर आज के दिन में थोड़ा सा किसी को अवॉइड करने को भी आपको फीलिंग आए तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो स्पॉइल ना हो. इसके अलावा जनाब, आज के दिन में हम बात करेंगे बिजली के बिल्स के हवाले से, कि उनमें रिलीफ आखिर हुआ है नहीं हुआ, और अगर रिलीफ होगा तो कितना. सो अक्टूबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3000 रुपए तक की कमी होगी. अच्छा, ये सिर्फ अभी हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है उन लोगों को जो बिल्स में रिलीफ के लिए बातचीत है या इस हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो लेट्स सी, अक्टूबर का महीना कौन सा दूर है. अभी आज 4 तारीख हो चुकी है सितंबर की, और दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो ऐसा लगता है कि वक्त शायद हमें पीछे छोड़ दे, शायद. सो ज़का अशरफ ने एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज दे दी है. ओके, और बाय द वे, अगर पाकिस्तान में भी एशिया कप हो जाता, वेन्यू को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि जो वेन्यू है स्पेशली एशिया कप का, कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आया. बट अगर पाकिस्तान में होता तो फिर हम शायद इंडिया के साथ वही कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते.
सो इसके अलावा जनाब बात करें अगर हम उन लोगों के हवाले से जो वाइटमिन्स की टैबलेट्स जो है वो खाते हैं, सो वाइटमिन्स की जो टैबलेट्स हैं वो लंग्स का कैंसर कर सकती हैं, रिसर्च हुई है. तो जब इंसान की एक एज होती है जिसमें उसको मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं, सो उस सिचुएशन में क्या फिर बंदा मल्टीविटामिन्स ना ले, या फिर शायद ऐसी डाइट का इंतखाब किया जाए जो वाइटमिन से भरपूर हो, मे बी. बट इस पर आगे चल के जरा डिटेल में बात करेंगे. और फिलहाल अभी के लिए तो सुन लेते हैं एक गाना और गर्ल्स सुना देते हैं आपको. और अगर आपका ढोला भी गर्ल्स सुनना चाहता है तो चले उसको भी सुना देते हैं. All right, welcome back once again, 11:37 on the dial. और कभी कभी यू नो वो काम जो आपके दाएं हाथ की बस मार होती है उसको भी कभी कभी करते हुए आपको यू नो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. जैसे आज हमारे जो किचन में भाई होते हैं वो छुट्टी पे हैं और मैंने खुद चाय बनाई, बट द थिंग इज चाय बनाते हुए बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. जरूरी नहीं हर बंदे को यू नो अपने एक एनवायरमेंट, अपनी जो अपना प्लेटफॉर्म होता है उसकी आदत होती है. सो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपको एक काम बहुत अच्छे से आता हो और उसमें अगर कभी कोई गलती हो जाए और कोई आपको ये बोल दे कि यार आपको तो कोई काम ही नहीं आता, मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कितना काम आता है और किस हद तक आता है और आप किस चीज में कितने एक्सपर्ट हैं. सो हमेशा अपना कैथारसिस बंदे को खुद कर लेना चाहिए, ना कि लोगों पे रिलाय किया जाए कि लोग बताएं अच्छा आपको काम आता है या नहीं आता. सो मैंने तो खैर कोशिश की है कि जरा आज चाय का कप जो है वो पीऊं. ये अलग बात है कि अगर कॉफी बीट हुई होती तो मैं कॉफी ही पीती. सो चले आज आप भी चाय का एहतमाम कर सकते हैं. अगर आपको चाय का एहतमाम नहीं करना तो इट्स अप टू यू, आप जो भी करना चाहते हैं आप के ऊपर है. सो जनाब आज एक और रिपोर्ट जो कि मुझे स्पेशली उन लोगों के हवाले से पढ़ने को मिली जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यू रहता है. और अभी इनफैक्ट माहरीन यू नो आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज सामने ले आते हैं कि जिसको देख के लगता है कि यार हम कहाँ बैठे हुए हैं या हम किस सोच में गुम हैं या हम क्या सोच के बैठे हुए हैं. सो अभी जो हालिया तहकीक है उसके अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर के फैलने की सबसे जो बड़ी वजह है वो जनाब सामने आ गई है. और ये कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से कोविड के हवाले से आपको पता है कि ये साल बड़े इम्पॉर्टेंट रहे हैं. सो इस तहकीक में ये बताया गया है कि कोविड-19 से मुतासर जो अफराद हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. और ये तो मैंने खुद भी विटनेस किया है, तो समहाउ जिनको कोविड हुआ है, चाहे बहुत यू नो माइल्ड अटैक हुआ है या बहुत सुवेयर जिन्होंने कोविड को फेस किया है, सो उनमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का इश्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है. और इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में ये चीज हुई है. और इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली भी अब चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर अगर तेजी से फैल रहा है तो उसका बेसिकली मकसद तो ये है कि उन लोगों का मकसद ये है कि जो अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं. सो आजकल हर दूसरा बंदा हाइपरटेंशन का शिकार है, हर दूसरा बंदा किसी न किसी मसले से दो चार ही है, चाहे वो फाइनेंशियल मामलात हों, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके मामलात हों. सो कोई ना कोई ऐसा मसला जरूर है जिंदगी में हर इंसान के साथ कि जिसको शायद बहुत मुश्किल से डील करना पड़ रहा है. और तो समहाउ हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है और आई होप कि आप अपने चैलेंजेस के साथ कोप अप करके एक अच्छी और क्वालिटी लाइफ को मेक श्योर कर रहे होंगे.
सो फिलहाल तो ये चीज सामने आई है कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं आने वाले दिनों में या पिछले एक दो सालों, ये तेजी से मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों अफराद इससे मुतासर हुए हैं, और उसकी रीजन यही है कि COVID-19 की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत बुरे तरह से डिस्टर्ब हुई है, और उसकी वजह से लोग जनाब ये ब्लड प्रेशर वगैरह के मसले में आ चुके हैं। और उम्मीद है कि आप एहतियात जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेडिकेशन के अलावा जो एहतियात है उसके साथ अगर आप अपने आप को क्योर कर लें तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। All right, welcome back once again. Well, I'm sure आप मेरी तरह आज बिल्कुल स्लीपी नहीं होंगे, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट टूडे आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, और शायद थोड़ी एनर्जी लो है मे बी, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ भी हो सकता है, मौसम का भी असर हो सकता है, क्योंकि मौसम आपको चूंकि पता है कि अब बदल रहा है, रातें थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं और दिन के टाइम पे गर्मी होती है, बट इस गर्मी में ये जो थोड़ी बहुत रात में खुनकी होती है, सो कोशिश करें कि आप जरा परहेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बहुत यख ठंडा पानी पीते हैं और जिसकी वजह से आपका गला भी डिस्टर्ब हो सकता है। आई डोंट नो, अभी कुछ एक दो महीने पहले से मेरा गला डिस्टर्ब हुआ और अभी तक वो गला जो डिस्टर्ब हुआ है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि मेडिकेशन भी हुई है और कुछ जो देसी टोटके होते हैं वो भी किए हैं, क्योंकि कभी अगर दवाई से आराम ना आ रहा हो तो फिर आपको टोटके कर लेने चाहिए जिंदगी में। टोटकों के साथ बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। सो मैं टोटकों को भी रिलाय करती हूँ, बट द थिंग इज अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद मुझे लगता है कि मौसम कुछ अजीब सा है जिसकी वजह से मे बी ये चीज चल रही हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो प्लीज लेट मी नो। सो बाय द वे पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी के बाद अब चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन तो आए दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर महंगाई की सूरत हाल वर्स्ट है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हम रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, सो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तानियों को जरा रिलीफ दे। अभी चूंकि बिल्स के हवाले से बात हुई है कि अक्टूबर के महीने में शायद 300 यूनिट यूज करने वालों के जो बिजली के बिल हैं उनमें 3000 रुपए की कमी होगी, बट यू नेवर नो, अभी तो इस पर बातचीत ही जारी है। जब प्रैक्टिकली कुछ होगा तो पता चल जाएगा कि क्या वाकई में ये बात प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगी या फिर सिर्फ बातों की हद तक है। सो पेट्रोल जो कि बहुत ज्यादा शदीद किस्म का आए दिन हमें पता चलता है कि भाई इतना महंगा हो गया है, और अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो ये भी महंगी हो गई, ये चीज वो भी महंगी हो गई। सो ये सारी चीजें हम चलती रहती हैं हमारे आसपास, इसी के बारे में बात होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने ये देखा हो कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और जो खाने पीने की अशिया उनकी जो कीमतों में कमी हुई है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ, राइट? सो अब जो चीजें जिस लेवल पर पहुंच चुकी हैं वो अब नीचे नहीं आने वाली, और लोगों को अगर ये लगता हो कि चलो शायद एक वक्त आएगा, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आपको डिप्रेस करना, चलें छोड़ें हम नहीं बात करते, लेकिन रियलिटी से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें जो चीज हकीकत में है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लेना चाहिए कि जिसकी वजह से हम इन हालात से कोप अप कर सकें। जैसे चीनी जो है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, हम चीनी के बगैर चाय पी सकते हैं, हम चीनी के बगैर जो भी जिंदगी में जिस चीज में चीनी जरूरी है सिवाय रिश्तों के, रिश्तों की जो मिठास है वो कम नहीं होनी चाहिए, बट खानों में मिठास कम हो जाए तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब उनके मिजाज में कड़वाहट आ जाती है तो वो अपने रिश्तों में भी कड़वाहट ले आते हैं। क्या बात की है मैंने, मेरा ख्याल है कि ये आज के दिन की वो बात है जो कि मेरा ख्याल है कि
टॉक ऑफ द डे कह सकते हैं, टॉक ऑफ द टाउन में टॉक ऑफ द डे, राइट? सो प्लीज अपने रिश्तों की मिठास को बरकरार रखें और बाकी जो खाने पीने की अशिया है उनसे मिठास अगर माइनस भी कर दें तो मेरा ख्याल है गुजारा हो सकता है, लेकिन रिश्तों के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं है. और वो लोग जो समझते हैं कि यार रिश्तों को तोड़ के गुजारा हो जाता है, सो कभी क्या नाखून जो है वो भी आपकी स्किन से अलग हो सकते हैं, नाखून टूट सकता है, आपका नाखून खराब हो सकता है, लेकिन नाखून एक ना एक दिन सही होकर जरूर आपकी उस स्किन है जहां से स्किन डिस्टर्ब हो जाती है. सो टू सम हाउ ये चीज हम सबको अंडरस्टैंड लेनी चाहिए. वो लोग जो इनसिक्योर होते हैं रिश्तों में, वो लोग जो समझते हैं कि ओ अच्छा ये रिश्ता जो है वो आपको इनसिक्योर कर रहा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, सो ऐसा नहीं होता. ये आपकी सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है. आपने जैसी सोच बना ली है वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिश्तों के हवाले से जो भी मामलात हैं वो जरा अच्छे रहें, सो वो तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप अपने दिमाग को अच्छा रखें, अपने दिमाग की जो खुराफात हैं उनको ना आने दें, सो तभी ये चीज मुमकिन हो सकती है. सो इन्हीं बातों के चक्कर में मैं जो गाना प्ले करना चाह रही थी वो गाना हो चुका है मुझसे मिस, तो चले कोई बात नहीं, हम दोबारा निकाल देते हैं. सो इस गाने के बाद आपको करेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में ज्वाइन. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन, मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back once again. Well, जनाब प्रोग्राम का सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है, आप सबको खुश आमदीद. और इनकेस अगर आप रोड पे हैं इस वक्त तो आपका मूड अच्छा ही होगा और बहुत ज्यादा कोई रश नहीं होगा रोड पे, लेकिन मंडे को नॉर्मली रश होता है. बहुत सारे बच्चों के अब एग्जाम्स कुछ के खत्म हो चुके हैं, कुछ के अभी बाकी हैं, सो आई एम श्योर बच्चों के एग्जाम्स भी अच्छे से हो रहे होंगे. और स्पेशली जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज का बड़ा गिला रहता है, आज पेपर में वो चीज आई है जो कि सिलेबस में ही नहीं थी. सो आपको क्या पता जब बोर्ड के एग्जाम्स हों तो ऐसी चीज आ जाए जो वाकई में सिलेबस में नहीं है. सो आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए जो आपके स्कूल टीचर्स हैं वो इस तरह की आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाते हैं, या आपकी जो प्रैक्टिस है वो अगर ऐसा कंटेंट जो आपका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए किसी भी हवाले से. सो आप जब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखते हैं तो जो भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कंटेंट होता है सो उसको आप अच्छे तरीके से फिर लिख भी सकते हैं और आपके लिए वो चीज अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होती. सो आई एम श्योर अगर इस हवाले से आपको कोई इशू हो रहा है अभी तो ये अभी इसको रिजॉल्व आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करें ताकि वो क्वेश्चंस जो सिलेबस में नहीं है बट कंटेंट अगर सिलेबस से नहीं लिया गया या क्वेश्चन सिलेबस से नहीं लिया गया सो कॉन्सेप्ट तो सिलेबस से है ना. सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है. सो बाय द वे एक बड़ी जबरदस्त सी न्यूज जो कि फ्राइडे को मैंने देखी और वो ये कि न्यूयॉर्क सिटी ने अलाउ किया है फ्राइडे अजान को ऑन लाउड स्पीकर्स इन मॉस्क. सो ये कितनी ब्लेसिंग की बात है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में हम पांच वक्त की अजान सुनते हैं. मतलब अजान के बारे में ये कहा जाता है बहुत सारे माहरीन के अकॉर्डिंगली ये बात सामने है कि अजान डिप्रेशन को कम करती है. सो वो लोग जो अजान से महरूम हैं, जिनको अजान की आवाज नहीं आती, सो मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप अपने मोबाइल में एक ऐप आराम से हो जाती है, सो आपको वो पांच वक्त की अजान जो है वो सुनने को मिलती है. और अगर आप पाकिस्तान में नहीं है और आप ऑलरेडी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस चीज को रिलेट कर सकेंगे मेरी इस बात से जो अभी मैंने बात की है. सो ट्रस्ट मी बहुत 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 ज्यादा आपको एक प्लेजेंट वाइब आती है अजान सुन के. और वैसे भी अगर अजान सुन के आप अल्लाह की तरफ रुजू करें
तो इससे अच्छी और क्या प्रैक्टिस होगी. सो ऐसी प्रैक्टिस जो अल्लाह के करीब कर दे, ऐसी प्रैक्टिस जो आपको मेंटली तौर पे रिलीफ दे दे, इससे अच्छी और बेहतरीन प्रैक्टिस दुनिया में नहीं हो सकती, ट्रस्ट मी. सो जनाब, जरा मौसम के बारे में बात कर लेते हैं. मौसम आज वैसे तो ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि जरा मौसम अब बदल रहा है, और इस बदलते मौसम के जो अंदाज है वो भी टू समहाउ बहुत इफेक्ट कर रहे हैं हम सब लोगों को. कुछ लोगों को टेम्परेचर हो रहा है, कुछ लोगों को गले का मसला हो रहा है, और इस्लामाबाद में जनाब डेंगू की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं. सो प्लीज कोशिश करें कि अपने आसपास स्प्रे करवा लें, और साफ सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पानी खड़ा ना होने दें, और कोशिश करें कि अगर पानी जमा हो जाता है किसी एक जगह पर तो उसकी निकासी का जो भी मामला आप कर सकते हैं, सो प्लीज उसको मेक श्योर करें, और ट्राई करें कि आप डेंगू से बचे रहें. सो फिलहाल मेरे पास गाना भी है, बट मौसम की हमने चूंकि बात की है तो आज इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर में कैसा रहने वाला है वेदर, रिपोर्ट देख लेते हैं. वेदर अपडेट आपको बता देती हूँ. सो आज इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 36 मिनिमम, 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 53%. लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 37 मिनिमम 27 and humidity level 41%, or Sialkot mein 33 degree centigrade maximum 37 minimum 26 and humidity level 62%. So ye to kuch mausam ke bare mein update hogi. Agar aap kisi aur bare mein update janna chahte hain, aur especially Asia Cup ke bare mein, to mere saath rahe. Filhal ब्रेक है, और ब्रेक ये मुझे बता रही है कि मुझे इसी गाने को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही जबरदस्त सा गाना सुनेंगे, और उसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम में वक्त हुआ है अब 12:34, और समटाइम्स हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हमें अपनी पावर का ही नहीं पता चलता कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है उन लोगों को डील करने के लिए जो तो संभाव बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो हमें ऑफेंड भी कर देता है फॉर द टाइम बीइंग. बट जब कभी कोई इंसान नेगेटिव बात कर रहा होता है, और उस नेगेटिव बात करते हुए अगर हम बहुत इजीली उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, बहुत आराम से ऐसे मक्खन मलाई की तरह उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सो दैट इज योर पावर. और इस पावर को अगर आप फील कर लें तो मेरा ख्याल है जिंदगी में कोई ऐसा नामुमकिन काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते. सो हर चीज इंसान तब अच्छे से मेक श्योर कर सकता है जब वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, और कोशिश करे कि जब कभी कोई नेगेटिव अप्रोच उसकी तरफ आती है तो उस सिचुएशन में अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर प्रोमिनेंट रखे. सो अभी हम कुछ देर पहले मल्टीविटामिन्स के बारे में बात कर रहे थे, बट अभी इस हवाले से माहिरीन जो है वो जरा कंसर्न है, और उन्होंने खबरदार किया कि अगर आप विटामिन सी और ई की गोलियां खा रहे हैं सो आपको फेफड़ों का कैंसर खुदा न खास्ता हो सकता है, या इसके चांसेस बढ़ सकते हैं. अब द थिंग इज, जब हम सप्लीमेंट्स या विटामिन्स की बात करते हैं तो एज का एक हिस्सा होता है कि जब आपको विटामिन्स लेने पड़ते हैं, और आप कुछ ऐसी डाइट को मेक श्योर करते हैं कि जो आपको विटामिन से भरपूर डाइट मिले, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो 30s या 40s के बाद एक चीज की बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, दैट इज जॉइंट इश्यू, जॉइंट प्रॉब्लम. सो जॉइंट्स का जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो सकता है अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक्टिव हैं, आप लेजी नहीं हैं, और मौसम जैसा मर्जी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप शदीद से शदीद वेदर को बर्दाश्त कर सकते हैं अगर आप अपनी विल पावर से काम लें. और इन केस आप अच्छी डाइट नहीं रख रहे, और ऊपर से ये भी बात है कि बहुत सारे लोगों को ये
एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि यार अब उम्र जरा आगे की तरफ जा रही है. रिवर्स गियर तभी लगेगा जब आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे और मल्टीविटामिंस जब आपको रिक्वायर्ड होंगी बकौल डॉक्टर. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो आप मल्टीविटामिंस लेते हैं, सो तब आपकी एज को रिवर्स गियर लग सकता है. अदरवाइज यू नो ये चीज शायद आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि यार हमारी उम्र इतनी नहीं है बट हमारी उम्र लगती है. सो ये जो लगती वाली बात है ना, ये तभी लगती है जब आप अपना ख्याल नहीं रखते. सो अब माहिरीन जो कि ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्स लेना जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सो फिर इसका मतलब यही है कि आप नेचुरली नेचुरल तरीकों से डाइट जो भी अपनी मेक श्योर कर रहे हैं सो उससे आप अपनी जो चीजें हैं हेल्थ को लेके वो बेहतर कर सकते हैं. जैसे अगर जॉइंट्स की बात है तो आप को मैंने शायद बताया था कि आप फिग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अर्ली मॉर्निंग फिग्स को रात को अगर सोक करके रखते हैं तो उसी पानी में आप फिग्स को ग्राइंड करें और पी सकते हैं. आप एक से दो डेट्स आप अगर नाश्ते में लेते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है. चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपसे ये हो सके, क्योंकि मैंने ये चीज की इसलिए मुझे अंदाजा है. मुश्किल नहीं है बट आपके टेस्ट को अगर लग जाए तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. अगर भिंडी एक या दो भिंडी जो है वो आप उसको सेंटर से काट के और पानी में उसको भिगो के रख दें और अर्ली मॉर्निंग वो पानी अगर आप पिए, आपकी स्किन को वो टाइट करता है, आपके जॉइंट्स का इश्यू दूर करता है और उससे आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है. सो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो ट्रस्ट में आपको बहुत फायदा होगा. और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज भी है, आपकी फैमिली में जॉइंट का इश्यू भी है, सो उसके लिए आपको जरूरी है कि पहले से ही उसका कुछ इंतजाम करके रखें. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक करूंगी प्ले और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अब जाने का वक्त है. उम्मीद है कि आप ने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा और कभी कभी यू नो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो कि हम नहीं सुनना चाहते, नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जो हमारे मिजाज के अकॉर्डिंगली ना हो. सो हर सिचुएशन में अगर थोड़ी सी कंफर्टेबल फील अपने अंदर ले आए, कंफर्टेबल जोन ले आए, तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता. सो बाय द वे, अभी एशिया कप के बारे में बात कर रहे थे कि एशिया कप के मैचेस की मुंतकली के बारे में ज़का अशरफ जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में करवाए जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है. बट अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन बारिशों की वजह से, जो कि आपको पता है कि कोलंबो से मैचेस किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल हुकाम जो है वो चाह रहे हैं कि आज इस बारे में बातचीत हो और कल तक फैसला जो है वो सामने आ जाएगा कि क्या जो आने वाले दिनों में मैचेस हैं वो क्या कोलंबो में ही होंगे या फिर उसका वेन्यू चेंज हो जाएगा. सो ये अभी डिसाइड हो जाएगा आज फाइनली. टीम जो है वो बैठ के बात करेगी और जो हतमी फैसला होगा वो फिर सामने आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी जो मैचेस हैं वो होंगे. ओके, सो अभी एक जबरदस्त ट्रैक के साथ आपको गुड बाय कहूंगी. उम्मीद है कि ये गाना आपको क्लिक करेगा. अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि ये गाना डेफिनेटली आपको क्लिक करेगा. सो इस गाने के साथ दीजिए इजाजत. कल होगी मुलाकात सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह ने गिबान एंड खुदा पमान. दिस इज मेरा FM 107.4.